हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सुमन राय पर, जिसका उद्देश्य है भारत को जानो और दुनिया को पहचानो तथा सफलता के उच्चतम शिखर तक पहुंचो। आज इस वीडियो में मैं लेकर आई हूं मैथ्स के चैप्टर टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को न्यू ट्रिक्स के साथ 2 सेकंड में आंसर प्राप्त करने का जबरदस्त तरीका। क्योंकि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, फॉर एग्जाम्पल SSC CGL TET CTET, बैंकिंग, रेलवे, सभी में मैथ से संबंधित प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रोसेस तो आता है, फिर भी आप लॉन्ग वे प्रोसेस एंड कैलकुलेशन के कारण अपना समय वेस्ट कर देते हैं और आपके क्वेश्चंस छूट जाते हैं और परिणाम स्वरूप आपको होता है अफसोस। लेकिन अब नहीं होगा अफसोस, क्योंकि आपके पास होगा फास्ट कैलकुलेशन एंड न्यू ट्रिक्स टू सॉल्व एनी डिफिकल्ट मैथ। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तनु कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज एंड मनीषा कैन डू इट इन 30 डेज। हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू डू द वर्क वर्किंग टुगेदर। आपको इसकी मीनिंग समझ में आनी चाहिए। मीनिंग है कि तनु किसी काम को 20 दिन में करती है और मनीषा उसी काम को 30 दिन में करती है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। बहुत ही ईजी है इसे फाइंड करना। हमारे पास एक फॉर्मूला है जो आपको किसी और बुक में नहीं मिलेगा, सिर्फ यही मिलेगा और आपका सवाल बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा मात्र 2 सेकंड में। तो आइए देखते हैं क्या है फॉर्मूला। नंबर ऑफ डेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डेज अपॉन सम ऑफ डेज, यानी आप दिनों का गुणनफल बटे दिनों का जोड़। तो आप देखते हैं आपके पास डेज है 20 × 30 अपॉन 20 + 30, मल्टीप्लाई किया 600/50। कैलकुलेशन के बाद, बहुत इजी कैलकुलेशन है, आपको मिलेगा आंसर 12 डेज। क्योंकि आप सीख रहे हैं, जब आप सीख जाएंगे तो आप इसे 2 सेकंड से भी कम टाइम में पूरा कर लेंगे। अगला प्रश्न है, राम किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है जबकि राम और राज दोनों मिलकर उस काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, तो राज उस काम को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। बहुत ही आसान, राम का काम है 12 डेज में और राम और राज दोनों मिलकर करते हैं 10 दिन में। सब फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज है। नंबर ऑफ डेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डेज सेम है बट अपॉन डिफरेंस ऑफ डेज। वहां उस प्रश्न में था सम ऑफ डेज, यहाँ है डिफरेंस ऑफ डेज। तो आप सेम काम करेंगे 12 × 10 अपॉन 12 − 10, यहाँ याद रखिएगा, आपको मिलेगा 120/2 और आंसर सामने है आपके 60 दिन या 60 डेज। तो इस तरह से आज इस वीडियो में आपने सीखा कि किस तरह फास्ट कैलकुलेशन और ट्रिक्स के थ्रू आप अपने समय की बचत करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम या ऑनलाइन एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स पा सकते हैं और आप सफल होंगे, आपके सामने होगा आपका सुंदर भविष्य। तो नए ट्रिक्स और फास्ट कैलकुलेशन के आइडियाज के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सुमन राय को एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर एंड कमेंट विथ योर फ्रेंड्स। So thanks all of you. Once again, thank you. Take care.